इस कहानी की शुरुआत कास्ट मूवी के बाद से होती है, जहाँ पिस्टन कप का नया सीजन स्टार्ट होने वाला था। वही हमें मैकिन को दिखाया जाता है जो अपना हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे डॉग की याद आती है क्योंकि हमेशा उसे बताया करते थे कि रेसिंग एक लेप की तरह होती है जिसमें हमें बिना किसी को हिट किए जीतना होता है, जिसे असली रेसिंग कहा जाता है। मैकिन उनकी इन बातों से खुश होता है। फिर रेस स्टार्ट होती है जिसमें मैकिन सबसे आगे निकल जाता है और मैकिन के पीछे उसके दो दोस्त केल और बॉबी भी होते हैं, जो भी मैकिन की तरह ही काफी अच्छे रेसर थे। मगर मैकिन रेस जीत जाता है, सभी इससे बहुत खुश होते हैं, लेकिन बॉबी मैकिन के साथ प्रैंक करने के लिए उस पर स्प्रे कर देता है, जिससे अगली बार जब बॉबी रेस में विन होता है तो मैकिन भी उसके टायर में हवा भरकर अपना बदला ले लेता है। फिर अगले हफ्ते नई रेस स्टार्ट होती है जिसमें मैकिन सबसे आगे होता है, लेकिन तभी जैक्सन स्टॉर्म वहां आकर बहुत ही आसानी से ये रेस जीत जाता है। सब ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। जैक्सन एक न्यू जनरेशन का हाईटेक रेसर होता है जो बहुत ही घमंडी था, इसलिए जब मैकिन उससे मिलने जाता है तो मैकिन का मजाक उड़ाता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। इससे मैकिन को बहुत बुरा लगता है। न्यूज में हर जगह जैक्सन की खबर फैल जाती है, इसलिए चिकिक शो में एक डेटा एनालिस्ट नेडली आकर जैक्सन के बारे में बताती है कि जैक्सन एक न्यू जनरेशन का हाईटेक रेसर है जो पुराने रेसर से बिल्कुल अलग है, जिसके जीतने की असली वजह एरोडायनेमिक सिस्टम और सिमुलेटर प्रैक्टिस करना है, जिससे उसकी स्पीड किसी भी टर्न पर कम नहीं होती। और अब धीरे धीरे जैक्सन सभी रेस जीता जाता है, जिससे अब सभी स्पॉन्सर पुराने रेसर को हटाकर न्यू जनरेशन के रेसर को साइन करने लग जाते हैं। मैकिन के दोस्त केल और बॉबी भी रिटायर हो जाते हैं। मैकिन ने सुनकर केल के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम रिटायर क्यों हो रहे हो, तो केल उसे कहता है कि मैंने मेरे अंकल से पूछा था कि हमें रिटायर कब होना चाहिए, तो मेरे अंकल ने कहा कि जब न्यू जनरेशन ट्रैक पर उतरेगी तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैकिन को छोड़कर सभी रेसर को न्यू जनरेशन के रेसर में बदल दिया जाता है, क्योंकि मैकिन के स्पॉन्सर डस्टियन रस्टी उसके बहुत अच्छे दोस्त है। आज सीजन की आखिरी रेस होती है जिसमे मैकिन धीरे धीरे जैक्सन के पास पहुँच जाता है, लेकिन जैक्सन आगे निकल जाता है और वो मैकिन को कहता है कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, इसलिए रिटायर हो जाओ। इससे मैकिन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फुल पावर में आगे बढ़ने लगता है, जिससे उसका टायर फटने की वजह से एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जैसा कई सालों पहले डॉग का हुआ था। फिर हमें 4 महीने बाद रेडिएटर स्प्रिंग को दिखाया जाता है, जहाँ मैकिन अब ठीक हो चुका है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि जब सालों पहले डॉग का एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें रेसिंग से निकाल दिया और उनकी जगह एक नए रुकी को साइन कर लिया था। मैकिन इन बातों से काफी उदास होता है। तभी सेली उसके पास आती है तो मैकिन उसे कहता है कि डॉग रेस करना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो डॉग के साथ हुआ वही मेरे साथ हो। तो सेली उसे कहती है कि तुम्हें खुद को बदलकर पहले से बेहतर बनाना होगा, जिससे ही तुम रेस जीत सकते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 2 वीक बाद नया सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो मैकिन भी उसकी बात समझ जाता है। तभी मेटर भी वहाँ आ जाता है और मैकिन उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, इसीलिए मुझे जल्दी से डस्टी इंडस्ट्री से बात करनी है। तो मेटर उन्हें कॉल लगाने चला जाता है, जहाँ मैकिन के सभी दोस्त मौजूद होते हैं। तभी मैकिन भी वहाँ आ जाता है और सभी को बताता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद को पहले से बेहतर बनाऊंगा और इस सीजन सभी की होश उड़ा दूंगा। इस बात से डस्टी इंडस्ट्री भी बहुत खुश होते हैं। मैकिन उन्हें कहता है कि मुझे स्टॉर्म से फास्ट होने के लिए उसके जैसी ट्रेनिंग लेनी होगी। तो डस्टी इंडस्ट्री उसे कहते हैं कि हमने पूरा इंतजाम कर लिया है, इसीलिए तुम कल डस्टी रेसिंग सेंटर आ जाना। इससे मैकिन बहुत खुश होता है और सभी मैकिन के जाने की तैयारियां करने लग जाते हैं। रेमन मैकिन को पेंट करके उसे बिल्कुल पहले जैसा बना देता है। ये देखकर उसके सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं और मैकिन अपने दोस्तों के साथ रेसिंग सेंटर जाने के लिए निकल जाता है। वो सुबह होते होते रस्टी रेसिंग सेंटर पहुँच जाते हैं, जो की एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर होता है। वहाँ पहुँचते ही मीडिया वाले मैकिन से रिटायर के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन मैकिन उनके सवालों के जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। मैकिन उस रेसिंग सेंटर को देखकर बहुत खुश होता है। तभी डस्टी एंड रस्टी भी उसके पास आ जाते हैं। मैकिन उन्हें कहता है कि ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने सब कैसे किया? तो डस्टी उन्हें बताता है कि छोटे मोटे कारोबार वाले इतना सब कुछ नहीं कर सकते थे और हम तुम्हारी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने रस्टी भेज दिया। तो मैकिन इससे काफी हैरान होता है। तो डस्टी और रस्टी उसे बताते हैं कि हमने स्टर्लिंग नाम के बिजनेसमैन को रस्टी भेज दिया है, जिसके पास तुम्हारी जरूरत की हर एक चीज मौजूद है और आज से वो तुम्हारा नया स्पॉन्सर है। तभी वहाँ स्टर्लिंग भी आ जाता है, जो मैकिन से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर रहा हूँ। फिर डस्टी और रस्टी वहाँ से चले जाते हैं। मैकिन बहुत सैड होता है, क्योंकि उन्होंने उसके
उसके लिए ये सब किया था। तभी मैकविन देखता है कि वहाँ उसकी और डॉग की सभी पुरानी चीजों का कलेक्शन मौजूद है। तभी स्टर्लिंग भी वहाँ आ जाते हैं और वो मैकविन को बताते हैं कि यहाँ उन सभी जगह की मिट्टी मौजूद है जहाँ डॉग रेस कर चुके हैं, जिसमें थंडर होलो और फायरबॉल बीच की मिट्टी भी होती है जो यही पास में थे। स्टर्लिंग उसे कहता है कि अब तुम्हें अपने फ्यूचर की तैयारी करनी चाहिए और उसे ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रिक सूट पहना देता है, जिसकी मदद से उन्हें मैकविन की हेल्थ और स्पीड की जानकारी मिल सकती थी। फिर वो मैकविन को अंदर लेकर जाता है जहाँ मैकविन को बताता है कि यार नए रेसर का सपना होता है कि वो इस ट्रेनिंग सेंटर में आकर प्रैक्टिस करे, क्योंकि इस ट्रेनिंग सेंटर में वो हर एक चीज मौजूद है जो तुम्हें बेहतर बना सकती है। और वहाँ इंटरैक्टिव रेस सिमुलेटर भी होता है जिसे देखकर मैकविन खुश हो जाता है। और उस पर एक नई रेसर रेस कर रही थी जिसकी स्पीड काफी अच्छी होती है, इसलिए मैकविन स्टर्लिंग से पूछता है कि ये रेसर कौन है। तो स्टर्लिंग उसे बताता है कि ये कोई रेसर नहीं बल्कि एक ट्रेनर है जिसका नाम क्रूज है और वो इस फील्ड की सबसे बेस्ट ट्रेनर है, क्योंकि उसके पास हर एक न्यू रेसर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था और सभी उसे मोटिवेशन का भंडार कहते हैं। क्रूज उनके पास आती है लेकिन वो मैकविन को अनदेखा करने का नाटक करती है क्योंकि वो मैकविन को मोटिवेट करना चाहती थी। मैकविन भी ये बात समझ जाता है और क्रूज उन्हें बताती है कि सारा खेल मोटिवेशन का है, क्योंकि अगर हम नजरिया बदल लें तो चुभने वाली बातें ही हमें हिम्मत दे सकती है। और आपको ट्रेनिंग देना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी क्योंकि मैं बचपन से ही आपको टीवी पर देखती आई हूँ। फिर वो मैकविन की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है जिसमें वो मैकविन को एक्सरसाइज करवाने लगती है ताकि उसके टायर ठीक से काम कर सके, लेकिन मैकविन को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि वो सिम्युलेटर प्रैक्टिस करना चाहता था। मगर क्रूज इसकी बात नहीं सुनती क्योंकि मैकविन अभी सिम्युलेटर के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब एक दिन वो देखता है कि सिम्युलेटर खाली पड़ा हुआ है, इसलिए मैकविन सिम्युलेटर पर चढ़ जाता है। ये देखकर क्रूज उन्हें कहती है कि आप अभी सिम्युलेटर के लिए तैयार नहीं है। स्टर्लिंग भी उन्हें देख लेता है। मैकविन उन्हें कहता है कि मैं सिम्युलेटर के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, तो क्रूज को भी सिम्युलेटर ऑन करना पड़ता है, लेकिन मैकविन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और रॉन्ग साइड में रन करने लग जाता है, जिससे स्टर्लिंग निराश होते हैं और मैकविन का खुद पर कंट्रोल न होने की वजह से वो सिम्युलेटर से क्रैश हो जाता है। स्टर्लिंग क्रूज पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उसकी वजह से करोड़ों का सिम्युलेटर बर्बाद हो गया था। स्टर्लिंग मैकविन को अंदर बुलाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें रेसिंग का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना चाहता हूँ और दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ तुम्हारे चर्चे ना हो और सभी कारें तुम्हारे ही प्रोडक्ट खरीदेगी। तो मैकविन उन्हें कहता है कि ये सब तो रिटायर होने के बाद किया जाता है। तो स्टर्लिंग उसे कहता है कि अब तुम फ्लोरिडा में रेस नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी स्पीड और परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, और जितनी बार तुम हारोगे तुम्हारा ही नाम खराब होगा, इसलिए तुम्हें अब अपने टॉयज और चीजें बेचकर उस नाम की कमाई खानी चाहिए। तो मैकविन उन्हें कहता है कि मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, मेरी असली कमाई रेसिंग है, इसलिए मैं रेस करना चाहता हूँ और मैं वैसे ही तैयारी करूंगा जैसे मैंने डॉग के साथ की थी, और मैं यही फायरबॉल बीच पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता हूँ जहाँ बड़े से बड़े रेसर ने प्रैक्टिस की थी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ही जीतूंगा। तो स्टर्लिंग भी मान जाता है, लेकिन वो मैकविन को कहता है कि अगर तुम फ्लोरिडा में नहीं जीते तो रिटायर हो जाओगे। तो मैकविन भी उनके शर्त मान लेता है और उन्हें कहता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं जब चाहूंगा तभी रिटायर होऊंगा। तो स्टर्लिंग भी उसके बाद मान लेता है, लेकिन वो मैकविन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए क्रूज को भी भेज देता है। क्रूज बीच पर भी ट्रेडमिल लेकर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मैकविन खुली हवा में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मैकविन उसे कहता है कि मैं ट्रेडमिल पर रेस नहीं करूंगा क्योंकि मैं इन सभी से बचने के लिए ही तो बीच पर आया हूं, और वो रेसिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। मैकविन बीच का ग्राउंड लगाकर आता है लेकिन मैकविन को अपनी स्पीड का पता नहीं चलता। तो क्रूज उन्हें बताती है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल असिस्टेंट से आपकी स्पीड ट्रैक कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए आपके आसपास रहना होगा। तो मैकविन क्रूज के साथ रेस करने लगता है, लेकिन क्रूज रेत की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि वो सिर्फ सिम्युलेटर पर ही रेस करना जानती थी, इसलिए मैकविन उसे धीरे धीरे सब कुछ सिखाने लगता है, क्योंकि कभी क्रूज पानी में चली जाती है तो कभी उसके रास्ते में केकड़े आ जाते हैं, और शाम तक वो रेत पर रेस करना सीख जाती है, जिससे जब वो मैकविन की स्पीड चेक करती है तो वो सिर्फ 380 किलोमीटर पर हावर की होती है जो कि स्टॉर्म से बहुत कम थी, जिससे मैकविन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसका आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया था। तो क्रूज उसे कहती है कि आपका दिन वेस्ट नहीं हुआ है क्योंकि आज हमने असली रेसिंग की। तो मैकविन उसे कहता है कि इसे असली रेसिंग नहीं कहते, इसमें सिर्फ सीधा जाना होता है, इसलिए मुझे अपनी स्पीड पर काम करना होगा। तभी मैकविन को थंडर होलो का पोस्टर दिखाई देता है और वो क्रूज को बताता है कि मेरी स्पीड का इलाज तभी होगा जब मैं असली रेसर के साथ रेस करूंगा, और वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। तो लुइजी उसे कहता है कि वहाँ रेस में पब्लिक होगी, जिससे अगर मीडिया को पता चल गया तो तुम ब्रेकिंग न्यूज बन जाओगे। तो मैकविन कहता है कि आपको कोई नहीं पहचानेगा क्योंकि मैं
वेश बदलने में माहिर हूँ। और थंडर होलो पहुँच जाते हैं जहाँ मेकिन को कीचड़ की मदद से गंदा कर देते हैं ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर वो रेसिंग ग्राउंड में जाता है। क्रूज भी वहाँ आ जाती है और वो मेकिन को बताती है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी स्पीड ट्रैक करूंगी। तभी वहाँ अनाउंस किया जाता है कि थंडर होलो में आज गाड़ियों का दंगल होने वाला है और सभी चैलेंजर्स वहाँ जाते हैं जो कि सभी पुरानी और टूटी फूटी कारें होती है। ये देखकर मेकिन क्रूज को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मैंने जैसी रेस के बारे में सोचा था ये वैसी रेस नहीं है। इसलिए वो वहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन गार्ड उन्हें बाहर जाने नहीं देता और उन्हें कहता है कि यहाँ का रूल है कि गेट बंद होते ही कोई भी बाहर नहीं जा सकता और जो एंड तक जीतेगा वही इस रेस में विनर होगा। मेकिन और क्रूज उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुनते। तभी यहाँ ग्राउंड में दंगल की होता फीटर आ जाती है जो इस गेम में माहिर थी और कोई उससे नहीं बच सकता था। इसलिए वो मेकिन और क्रूज को कहती है कि आज तुम नहीं बच पाओगे, जिससे वो काफी डर जाते हैं। तभी दंगल स्टार्ट हो जाता है और सभी पार्टिसिपेंट एक दूसरे को गिराने के लिए टक्कर मारने लग जाते हैं। मेकिन और क्रूज सभी से बचकर भागने लगते हैं जिससे सभी कारें एक दूसरे से टकराने लग जाती है। वही फीटर सभी को हिट करके उन्हें गिराने लगती है और अब सिर्फ मेकिन और क्रूज ही बचे थे। इसलिए फीटर क्रूज पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है मगर क्रूज कीचड़ में फंस जाती है। ये देखकर मेकिन उसे बचाकर बाहर निकाल देता है जिससे फीटर गिर जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वापस उठने की कोशिश करती है क्योंकि वो मेकिन को खत्म करना चाहती थी। ये देखकर मेकिन वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसके टायर में कटर फंस गया था जिससे जब फीटर वापस खड़ी होकर उस पर हमला करने आने लगती है तो अचानक कटर निकल जाता है जिससे फीटर क्रेश हो जाती है। फिर अनाउंस किया जाता है कि क्रूज ये रेस जीत गई है जिससे वो बहुत खुश होती है मगर तभी एक टैंकर उसके सामने आ जाता है जिससे वो टैंकर पलट जाता है और मेकिन पर लगा हुआ सारा कीचड़ साफ हो जाता है जिससे सभी को पता चल जाता है कि वो मेकिन है। ये देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं और सभी न्यूज में खबर फैल जाती है कि मेकिन ने दंगल में हिस्सा लिया था। मेकिन वहाँ से क्रूज के साथ निकल जाता है। क्रूज बहुत खुश होती है क्योंकि आज वो पहली बार ट्रॉफी जीती थी। मेकिन उस पर गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है क्योंकि तुम्हें संभालने की वजह से मेरा एक हफ्ता खराब हो गया और आज भी मेरी स्पीड उतनी ही है जितनी की महीने पहले थी और ये मेरा आखिरी मौका है और अगर मैं हार गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा मगर तुम ये सब नहीं समझ सकती क्योंकि तुम एक रेसर नहीं हो। मेकिन के गुस्से की वजह से क्रूज की ट्रॉफी टूट जाती है। इससे क्रूज को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाँ से जाने लगती है। वो मेकिन को कहती है कि मैं बचपन से एक रेसर बनना चाहती थी और उसकी वजह आप थे क्योंकि मैं आपको टीवी पर देखा करती थी मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि बड़े सपने मत देखो, बड़े सपने कभी पूरे नहीं होते मगर मैं अपने घर वालों को साबित करना चाहती थी कि मेरे शहर में मुझसे फास्ट और कोई नहीं है। इसीलिए मैंने रेस में हिस्सा लिया मगर जब मैंने दूसरे रेसर को देखा तो उनमें बहुत कॉन्फिडेंस था और वो मुझसे बहुत बड़े थे। इसलिए जब उन्होंने अपना इंजन स्टार्ट किया तो मेरी हिम्मत टूट गई और मैं समझ गई कि मैं रेसिंग के लिए नहीं बनी हूँ जिससे मैंने अपना पहला मौका गवा दिया। इससे वो काफी सैड हो जाते हैं और क्रूज वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए निकल जाती है। मेकिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात नहीं सुनती। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेकिन चिकिक शो देख रहा होता है जिसमें नेटली बताती है कि जैक्सन की स्पीड बढ़ती जा रही है जिससे उसके जीतने के चांसेस 95% हो चुके हैं और अगर मेकिन ने रेस में हिस्सा लिया तो उसके जीतने के चांसेस सिर्फ 1.2% है और इस हफ्ते उसका रेसिंग करियर खत्म हो जाएगा। इससे मेकिन और ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड मेटो को कॉल लगाता है ताकि उसका मूड हल्का हो सके। मेकिन मेटो को बताता है कि मुझे ट्रेनिंग से कुछ भी फायदा नहीं हुआ और मुझे मेरी स्पीड बढ़ाने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है जिससे अब मुझे भी लगने लगा है कि मेरा रेसिंग करियर खत्म हो जाएगा और अगर आज डॉग जिंदा होते तो मुझे दिन कभी नहीं देखना पड़ता। तो मेटो से कहता है कि अरे गुरु का एक गुरु होता है इसीलिए तुम भी डॉग के गुरु इस मौके से ट्रेनिंग ले सकते हो। मेकिन को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वही हमें क्रूज को दिखाया जाता है जो उदास हुई ट्रेनिंग सेंटर की तरफ बढ़ रही होती है। तभी मेकिन वहाँ पहुँच जाता है और वो क्रूज को कहता है कि मैं इस मौके नाम के बंदे को ढूंढने जा रहा हूँ इसीलिए तुम भी हमारे साथ चल सकती हो लेकिन कुछ तैयार नहीं होती। तो मेकिन उसे उसकी ट्रॉफी देता है जिसे उसने जोड़ दिया था और उसे मनाने के लिए डांस करने लग जाता है जिससे क्रूज भी मान जाती है और वो साथ में इस मौके के गाँव थॉमसविले जाने के लिए निकल जाते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो मेकिन को वहाँ डॉग के स्पीडवे का पोस्टर दिखाई देता है जहाँ डॉग प्रैक्टिस किया करते थे। मेकिन जब उस ग्राउंड के अंदर जाता है तो खुद को एक चक्कर लगाने से नहीं रोक पाता क्योंकि उस जगह पर उसके क्रू चीफ डॉग रेस किया करते थे। तभी स्मोकी वहाँ आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो खुश होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता
था कि वो अभी तक जिंदा है। इस मौके में एक उनको पहचान लेते हैं, इसीलिए वो उन्हें बार में लेकर जाते हैं जहाँ डॉग के सभी रेसर दोस्त मौजूद थे। वो मेक्यून को देख कर समझ जाते हैं कि मेक्यून का वक्त अभी बुरा चल रहा है, इसीलिए वो यहाँ उनसे मदद लेने आया है। इस मौके सभी को डॉग के किस्से सुनाते हैं कि जब वो नया आया था तो सभी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने दिखा दिया कि वो सबसे फास्ट है क्योंकि वो पलक झपकते ही माई रेस को पीछे छोड़ देता था। मगर एक दिन फ्रेशर की एंट्री हुई जो सभी से फास्ट था, मगर डॉग अपनी बेहतर स्किल की मदद से उससे आगे निकल गया, लेकिन यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए उसने डॉग को दीवार की तरफ धकेलने की कोशिश की, लेकिन डॉग ने छलांग लगाई और वो ये रेस जीत गया। सभी इससे बहुत खुश हुए क्योंकि ऐसा बेहतरीन स्टंट पहले किसी ने नहीं किया था। फिर इस मौके मेक्यून को बाहर लेकर जाते हैं जहाँ मेक्यून उन्हें कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, और अगर मैं फ्लोरिडा की रेस हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मेरा भी वही हाल होगा जो डॉग का हुआ था। तो इस मौके उससे पूछते है कि डॉग के साथ क्या हुआ था, तो मेक्यून उन्हें कहता है कि रेसिंग ही डॉग की जिंदगी थी और जब वो ही उनसे छीन ली गई तो वो उस सदमे से कभी बाहर नहीं निकल पाए। तो इस मौके उसे कहते हैं कि तुम डॉग को ठीक से समझ नहीं पाए। फिर वो मेक्यून को अपने गैराज की तरफ लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि हादसे की वजह से डॉग का रेसिंग से नाता टूट चुका था, जिससे उसका दिल टूट गया और अपनी तड़प दिल में लिए सबसे दूर रेडिएटर स्प्रिंग चला गया और 50 साल तक उसने मुझे अपनी कोई खबर नहीं दी। लेकिन फिर एक दिन उसके खत आने शुरू हुए और हर एक खत में तुम्हारा ही जिक्र होता था क्योंकि रेसिंग डॉग की जान थी, मगर उसकी धड़कन तुम थे क्योंकि तुमने उसे जीने का नया मकसद दिया था। मेक्यून को भी अपने और डॉग के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हे याद आने लगते हैं जब वो मेक्यून के साथ बहुत खुश थे। इस मौके मेक्यून को बताते हैं कि डॉग ने तुम्हारे अंदर वो देखा था जो तुम खुद भी नहीं देख पाए। फिर इस मौके उसे प्रैक्टिस के लिए लेकर जाते हैं जहाँ मेक्यून ग्राउंड का चक्कर लगाता है। तो इस मौके उसे कहते हैं कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम स्टॉर्म जितना तेज नहीं दौड़ सकते, मगर तुम उससे स्मार्ट हो सकते हो क्योंकि मैंने सुना कि तुम गाड़ियों के दंगल में गए थे और तुम्हें एक भी खरोच नहीं आई। वही हमें दिखाया जाता है कि जैक्सन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसने 344 किलोमीटर पर आवर का आंकड़ा पार कर लिया था। वही इस मौके मेक्यून को फास्ट बनाने के लिए क्रूज को नकली स्टॉर्म बना देते हैं ताकि मेक्यून ठीक से प्रैक्टिस कर सके। फिर इस मौके उन्हें ग्राउंड में लेकर जाते हैं जहाँ वो क्रूज को मेक्यून से कहीं आगे रखते हैं क्योंकि मेक्यून फ्लोरिडा के क्वालिफाई राउंड में नहीं गया था। इस मौके मेक्यून को 3 राउंड में क्रूज को पकड़ने को कहते हैं, लेकिन मेक्यून ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए वो मेक्यून की अलग तरह से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें वो मेक्यून को चौकन्ना रहना सिखाते हैं ताकि वो किसी भी चीज का सामना कर सके। फिर वो उन्हें ट्रैक्टर के साथ खेतों में बंद कर देते हैं ताकि वो फुर्तीले हो सके, जिससे वो छोटी से छोटी जगह से भी बचकर बाहर निकल सके। मेक्यून के साथ साथ क्रूज भी ट्रेनिंग ले रही होती है जिससे वो भी धीरे धीरे सब कुछ सीखती जाती है। मेक्यून दिन रात मेहनत करता है क्योंकि अब रेस को सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। इस मौके मेक्यून को डॉग के राज बताते हैं कि डॉग किसी से भी आगे निकलने के लिए उससे बिल्कुल च्युइंगम की तरह चिपक जाया करते थे। मेक्यून उन्हें कहता है कि ड्राफ्टिंग मैंने कभी ट्राई नहीं की। तो इस मौके उसे कहते हैं कि पहले तुम फास्ट थे जिससे तुम किसी से भी आगे निकल जाया करते थे, लेकिन अब तुम बूढ़े और स्लो हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें खुद को बदलने के लिए उन चीजों पर ध्यान देना होगा जिन पर तुमने कभी गौर नहीं किया। ऐसे उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है जिससे मेक्यून की स्पीड बढ़ने लगती है और क्रूज भी मेक्यून की वजह से सब कुछ सीख जाती है। रात को इस मौके उन्हें जंगलों में लेकर जाते हैं क्योंकि वो डॉग और बाकी सभी रेसर को यही ट्रेन किया करते थे, इसीलिए मेक्यून और क्रूज भी बिना हेडलाइट के जंगल में रेस करने लग जाते हैं जिसमें वो अंदाजे से पेड़ों से बसते जाते हैं जिससे उन्हें बहुत मजा आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आज वो दिन आ चुका था जहाँ फ्लोरिडा में पहली रेस होने वाली थी और रेसर वहाँ पहुँच गए थे। वही मेक्यून जाने से पहले क्रूज से आखिरी रेस करता है जिसमे मेक्यून फुल स्पीड में क्रूज से आगे निकल जाता है, मगर क्रूज थोड़ी देर बाद उससे फिर से आगे निकल जाती है जिससे मेक्यून काफी सेड हो जाता है। मगर तभी मेक्यून को कहता है कि हमें निकलना होगा क्योंकि हमें फ्लोरिडा पहुंचना है। तो मेक्यून सभी को उसका साथ देने के लिए थैंक्स कहता है और वहाँ से फ्लोरिडा जाने के लिए निकल जाता है। वही फिर हमें फ्लोरिडा रेसिंग मिडवे को दिखाया जाता है जहाँ आज लाखों कारें इस कमाल की रेस को देखने आई थी। नेटली सभी को बताती है कि आज स्टॉर्म को कोई नहीं हरा पाएगा क्योंकि उसके जीतने के चांसेस 96.8% है। मेक्यून भी रेस में पहुंच जाता है जहाँ वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। मेक्यून के दोस्त और सेली भी वहाँ आ जाते हैं। सेली मेक्यून को कहती है कि आज तुम ही जीतोगे। तभी जैक्सन वहाँ आ जाता है जो क्रूज का मजाक उड़ाता है। फिर सभी कारें ग्राउंड में जाती है जहाँ मेक्यून लास्ट पोजीशन पर होता है क्योंकि उसने फ्लोरिडा क्वालिफाई रेस में हिस्सा नहीं लिया था। इस
स्मोकी भी वहाँ जाते हैं जो मेकिन के क्रू चीफ बनते हैं। वो मेकिन को कहते हैं कि तुम सिर्फ उसी बात पर ध्यान दो जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। तो मेकिन उनकी बात समझ जाता है। तभी रेस स्टार्ट होती है जहाँ मेकिन धीरे धीरे कारों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है। स्मोकी मेकिन को कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके ये रेस जीतनी होगी, इसीलिए अपनी ट्रेनिंग को याद करो और 3 लैप में स्टॉर्म तक पहुँचने की कोशिश करो। वही स्टर्लिंग क्रूज के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम वापस ट्रेनिंग सेंटर लौट जाओ। तो क्रूज उन्हें कहती है कि मैं रेस देखना चाहती हूँ क्योंकि मेकिन जीत के काफी पास है। तो स्टर्लिंग उसे कहता है कि तुम एक रेसर नहीं हो, तुम एक ट्रेनर हो। तो क्रूज सेड हुई वहाँ से चली जाती है। मेकिन को इन सब की वजह से क्रूज की वो बातें याद आती है कि उनकी वजह से एक रेसर बनना चाहती थी लेकिन उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिला। ऐसे मेकिन समझ जाता है कि उसे क्रूज को दूसरा मौका देना चाहिए और वो स्मोकी को क्रूज को बुलाने को कहता है। तब यहाँ कुछ कारें क्रैश होने लगती है जिससे मेकिन पिट पर आ जाता है जहाँ वो अपने दोस्तों क्रूज को तैयार करने को कहता है। क्रूज को कुछ समझ नहीं आता तो मेकिन उसे कहता है कि आज तुम्हें दूसरा मौका दिया जा रहा है, इसलिए इस रेस को शुरू मैंने किया था मगर खत्म तुम करोगी। लेकिन स्टर्लिंग ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उन्हें कहता है कि ये रूल के खिलाफ है। तो स्मोकी उसे कहते हैं कि रूल के हिसाब से ट्रैक पर सिर्फ नंबर दिखने चाहिए, फिर चाहे वो किसी पर भी लिखा हो। लेकिन फिर भी स्टर्लिंग उनकी नहीं सुनता तो मेटर उसे पीछे कर देता है और उसे आगे जाने नहीं देता। मेकिन के फ्रेंड क्रूज को तैयार करते हैं। मेकिन क्रूज को कहता है कि ये मेरा आखिरी मौका है जिससे मैं तुम्हें पहला मौका दे सकता हूँ, इसलिए तुम इस मौके को मत गंवाना। तो क्रूज भी उसकी बात समझ जाती है और रेस करने के लिए चली जाती है। वो स्पीड कार से आगे निकलती है। सभी ये देखकर हैरान होते हैं कि मेकिन एक नए रेसर को ट्रैक पर उतारा है जिसने आज तक एक भी रेस नहीं की है, जिससे सभी को लगता है कि मेकिन पागल हो गया है। क्रूज इतनी सारी ऑडियंस देखकर घबरा जाती है। तो स्मोकी उसे और फास्ट चलने को कहते हैं मगर क्रूज काफी अकड़ी हुई होती है। तो मेकिन स्मोकी को कहता है कि उसे कहो कि वो एक हल्की फुल्की बादल है। और जब स्मोकी उसे ये कहते हैं तो क्रूज समझ जाती है कि वो अकड़ी हुई है, इसीलिए वो खुद को नॉर्मल करती है और स्पीड से आगे बढ़ने लग जाती है। मेकिन उसे कहता है कि तुम्हारे पास हर एक मुश्किल का हल मौजूद है, इसीलिए खेतों को याद करो और सभी से आगे निकलो। तो क्रूज अपनी इमेजिनेशन से सभी कारों को ट्रैक्टर में चेंज कर देती है जिससे उनसे बसती हुई आगे निकलने लगती है। मेकिन उसका क्रू चीफ बनकर खुश होता है और क्रूज बहुत जल्दी 3rd नंबर पर पहुंच जाती है। ये देखकर स्टॉर्म क्रूज की हिम्मत तोड़ने के लिए उसके पास आता है और उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाता है कि तुम एक रेसर नहीं हो और कॉस्ट्यूम बदलने से कोई रेसर नहीं बन जाता और तुम्हारी असली रेसर बनने की कोई औकात नहीं है। इससे क्रूज काफी निराश हो जाती है और वो धीरे धीरे धीमी होने लगती है। तो मेकिन उसे कहता है कि स्टॉर्म तुमसे डर रहा है, इसीलिए उसने तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की क्योंकि उसे तुम्हें वो बात नजर आ गई है जो तुम्हें भी कभी खुद में दिखाई नहीं दी। तो क्रूज में भी जोश आ जाता है और वो जैक्सन के पीछे पहुंच जाती है। वो डॉग की बात याद करती है और जैक्सन से च्युइंगम की तरह चिपक जाती है और उसे गुस्सा दिलाने लगती है जिससे मेकिन और स्मोकी खुश होते हैं और अब सिर्फ आखिरी लैप बची होती है। इसीलिए क्रूज जैक्सन से आगे निकलने लगती है मगर जैक्सन उसे गुस्से में दीवार की तरफ हिट करने लगता है और उसे कहता है कि तुम इस ट्रैक के लायक नहीं हो, मगर क्रूज जंप करके खुद को उसे छुड़वा लेती है। मेकिन और बाकी सब ये देखकर हैरान होते हैं और क्रूज ये रेस जीत जाती है जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और सभी रेसर क्रूज को जीत की बधाई देते हैं। मेकिन भी खुश होता है। तभी स्टर्लिंग भी वहाँ आ जाता है जो क्रूज के जीतने की वजह से उसे अपनी टीम का रेसर बनने का ऑफर करता है। तो क्रूज उन्हें कहती है कि मैं आपके लिए रेसिंग नहीं कर पाऊंगी। तभी डायनेवो के ओनर टेक्स वहाँ आ जाते हैं जो क्रूज को कहते हैं कि तुम हमारे लिए रेस करो क्योंकि हमारी टीम में एक से बढ़कर एक रेसर है। मेकिन भी बहुत खुश होता है क्योंकि डायनेवो का मॉडल बनना बहुत बड़ी बात थी। ये देखकर स्टर्लिंग मेकिन को कहता है कि तुम अब रिटायर हो चुके हो और हमारी डील हुई थी, इसलिए तुम सोमवार को फोटोशूट के लिए आ जाना। तभी विनर लिस्ट को अपडेट किया जाता है जिसमें मेकिन का भी नाम होता है। इससे वो बहुत हैरान होता है। तो स्मोकी से बताते हैं कि जो रेस स्टार्ट करता है उसका और जीतने वाले का नाम आता है। तभी सेली भी वहाँ आ जाती है और स्टर्लिंग को कहती है कि मेकिन जीत गया है, इसीलिए वो जब चाहेगा तब रिटायर हो सकता है। फिर हमें रेडिएटर स्क्रीन में दिखाया जाता है कि क्रूज और बाकी सभी वहाँ आ जाते हैं और अब क्रूज डायनेवो की न्यू मॉडल बन गई थी जिसको मेकिन ने डॉग का नंबर 51 दिलाया था, जिससे सभी खुश होते हैं। तभी मेकिन भी वहाँ आ जाता है जिसने अपने हुलिये को बिल्कुल डॉग की तरह करवा लिया था क्योंकि अब वो क्रूज का क्रूची बन गया था क्योंकि टेक्स ने रस्टिज खरीद ली थी। मेकिन और क्रूज साथ में रेस करते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं मुझे
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।